माँ के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती, ये टिप्पणी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड की। इस पर कई बुद्धिजीवी प्रति टिप्पणी कर सकते हैं। कोई अंग्रेजी का तरफदार कह सकता है कि क्यों नहीं माँ के प्यार का इंग्लिश ट्रांसलेशन मदरली लव होता है। कोई भाषाविद कह सकता है कि माँ के प्यार को सिर्फ इंग्लिश ही नहीं कोई अन्य भाषा भी ट्रांसलेट नहीं कर सकती। याद करने को कोई माँ पर लिखी शैलेश लोढ़ा की कविता भी याद कर सकता है, जिसमें उन्होंने माँ की परिभाषा बताई थी। लिखा था, हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। तो जब माँ खुद पूरी भाषा है तो उसके प्यार को किसी भी एक भाषा में सीमित करना कैसे मुमकिन होगा। मगर इन तमाम दलीलों के बीच वो पर्पज़ कहीं खोना नहीं चाहिए जिसकी वजह से CGI DY चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी की है। CGI ने ये टिप्पणी भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए की। CGI ने कहा कि इंग्लिश में दो किसानों के बीच की बातचीत को सही तरीके से नहीं बताया जा सकता। स्थानीय भाषाओं की अपनी अहमियत है, अपने फायदे हैं। ये तमाम बातें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहाँ कही और इसके अलावा क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। शनिवार 13 जुलाई को CGI चंद्रचूड़ UP की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, जिसे शॉर्ट में NLU कहा जाता है, NLU लखनऊ कहा जाता है। तो NLU लखनऊ में 13 तारीख को कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रमनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इसमें CGI का भाषण होना था। चूंकि ये समारोह एक शैक्षणिक संस्थान का था, इसलिए CGI के भाषण का टॉपिक भी शिक्षा से संबंधित रहा। CGI ने कानून की शिक्षा को आसान भाषा में और स्थानीय भाषाओं में भी दिए जाने की बात पर जोर दिया। CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि जब नागरिक कोर्टरूम के अंदर होने वाली बहस और चर्चाओं को नहीं समझ पाते हैं तो इससे जुडिशरी और लोगों के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जुडिशरी से लोगों को कनेक्शन जोड़ने से रोकता है। इसलिए CGI ने देश भर की लॉ यूनिवर्सिटीज और टीचर से ये आग्रह किया कि स्टूडेंट को कानून पढ़ाते वक्त स्थानीय भाषाओं को अनदेखा ना किया जाए। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक CGI ने लखनऊ में कहा कि मैं कई बार अपने साथियों और शिक्षाविदों से चर्चा करता हूं कि इस देश में लॉ सिंपल भाषा में किस तरह पढ़ाया जा सकता है। हम अलग अलग रूल्स, सिद्धांत और संविधान अंग्रेजी में बढ़िया पढ़ाते हैं, मगर इन्हीं चीज़ को हम स्थानीय भाषाओं में समझाने में असहज हो जाते हैं। अगर हम कानून के सिद्धांत आम लोगों को आसान भाषा में नहीं समझा पाते हैं तो ये लीगल पेशे और कानूनी शिक्षा में कमी को दर्शाता है। ये आम लोगों को प्रभावित करता है, खासतौर पर समाज के कमजोर वर्ग को। किसी भी चीज़ को समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है उदाहरण के जरिए उसे समझाना। CGI ने भी अपनी बात को उदाहरण के साथ समझाया। उन्होंने कहा, फर्ज कीजिए एक व्यक्ति कोर्ट में कोई केस लाना चाहता है मगर वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर है, उसके पास वकील हायर करने के पैसे नहीं है, तो कोर्ट उसे एक वकील दे सकता है। इसलिए उसे अंग्रेजी में राइट टू फ्री लीगल एड कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति यदि किसी केस में जेल चला जाता है और उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, ऐसे में संविधान के प्रावधानों में उसे मुफ्त में कानूनी मदद देने की प्रक्रिया दी गई है। इसके बावजूद अगर हम उस व्यक्ति को उसके हक आसान भाषा में नहीं बता पाते हैं तो ये सारी सुविधाएं अधूरी साबित होंगी। बेशक ये सारी बातें सही हैं, संविधान में सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन भाषाई जटिलता हमेशा से उसे समझने समझाने में एक रुकावट की तरह रही है। कई आलोचकों ने ये कमेंट किया कि संविधान की भाषा में वकीलों का बहुत दखल है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वकीलों या कानूनविदों को ही सही तरह से समझ आ पाती है। ये चीज़ कोर्ट के फैसलों पर भी रिफ्लेक्ट करती है। कोर्ट के फैसलों में भी इंग्लिश के अलावा लैटिन भाषा के शब्दों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की भाषा आम लोगों के लिए मुश्किल होती है। एक बार को आप अंग्रेजी में एक्सपर्ट हो भी जाएं, मगर लैटिन शब्दों का क्या करेंगे। जैसे प्राइमा फेसी, डी ज्योर, डी फैक्टो, मॉडस ऑपरेंडी, सो मोटो, सरशुआरी, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्वो वारंटो, एमिकस क्यूरी। बस इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, वरना आप कहेंगे कि काहे अंग्रेजी की क्लास लगा दिए हैं। ये सारे जो शब्द हैं आपके सामने इसलिए बताए क्योंकि आप जानते ही हैं कि उदाहरण के साथ समझाना सबसे बेहतर तरीका होता है। तो बस इसलिए आपके सामने हमने ये उदाहरण पेश किए। वकालत बैकग्राउंड वाले और UPSC जैसे एग्ज़ाम की
तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो दर्शक हैं हमारे, वो उनके लिए इन सब चीज़ों को समझना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आपके आसपास मौजूद आम लोगों को क्या ये शब्द बाउंसर नहीं लगेंगे? बस इन्हीं सब तर्कों के बीच CJI DY चंद्रचूड़ की ये बात है जिस पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से ही लगातार जोर दे रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।